मेरे ख्याल से आप सब मेजर गौरव आर्या को अच्छी तरह जानते हैं। वो अक्सर टीवी में भी आते रहते हैं, यूट्यूब में भी आते रहते हैं और वो पाकिस्तान के मुंह बोले अब्बू भी माने जाते हैं। अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये तेरा बाप आया। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं तो हमको पाकिस्तान में मिल गया एक मेजर गौरव आर्या जी का चेला, या यूं समझ लीजिए आप पाकिस्तान का मेजर गौरव आर्या पाकिस्तानी वर्जन में। अच्छा, ऐसे तो पाकिस्तान में 99% लोग जाहिल है, बैल बुद्धि है, लेकिन जो 1% लोग है ना, जिनको सुनने के बाद में आप भी चौंक जाओगे कि यार ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। सही बात है। बिना देर के सीधा चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी मेजर गौरव आर्या को। शकील अहमद। शकील भाई करते क्या? यार पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं मुझे बताओ? मैं MPhil साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी खबर आई है अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें, 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ब्रिज, वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब ये है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीज़ें सोच रहे? यार असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक, हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे, जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना इंसान नफसियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफसियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फलसफा होता है, खासतौर पर फलसफा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नजरियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है, हम बगैर नजरिए के ही, पाकिस्तान बगैर आइडियोलॉजी। ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पे वजूद में आया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें। हाँ, ये जो दो नजरिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मजहब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो, यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो। यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम हर किसी से कटे हुए हैं, हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा, हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। यही टॉपिक का ये वीडियो को कवर करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री, इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं, उन्हें अकल आ सकती है, हमें क्यों नहीं? इस पे ना बड़ी मजे की बात है, वो ये कि हम जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ना किसी भी कंट्री की, वो हम प्रॉक्सिमिटी पे, जैसे कि आपका करीब कितना, कोई भी स्टेट आपके करीब तरीन कैसी है और उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है ना प्रॉक्सिमिटी की, इस फलसफे को ना हमारी आज तक आवाम समझी, ना हमारी रियासत समझी, हम लोग आइसोलेशन की तरफ जा ही इसीलिए रहे हैं, हम अपने पास के जो लोग हैं जहाँ से, अब देखें अब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं हम रशिया से, अब हमें ये अकल आ रही कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लें ताकि हमें ज़रा सस्ता मिल जाए, हैं तो हम क्रूड ईरान के साथ आपके पाइपलाइन बिछी हुई है, आप लोग वहां से ले नहीं रहे हो, क्यों नहीं ले रहे कि जी आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा, ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर अनाउंस किया है कि आपने 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो आपको फाइन। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे आइडिया है कि वो आप जब आइसोलेट होने की बुनियादी वजह यही है कि आपका जब क्लियर एजेंडा नहीं ना होता किसी बात पे, तो आपको हर बंदा आता है वो ठुड्डा मारता है, वो कहता है, वो समझता है ये थाली का बैंगन है, इसको किसी भी थाली में फेंकोगे
तो ठीक है ये चलते रहेंगे। आप अपना कभी आज तक कोई क्लियर एजेंडा, आपकी फॉरेन पॉलिसी वो डिटरमिन करती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या होगी पूरे जो पॉलिटिकल से, हाँ एग्जैक्टली जो आपकी जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है प्राइमेरली ड्रीवन बाय और प्राइमेरली बैक बाय योर फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी जब अच्छी नहीं होगी तो यही हालात होंगे। आप थाली का बैंगर रहे हैं, आज भी हैं, लोग आपको ठुड्डा मारेंगे। देखें होता कुछ इस तरीके से है कि हमें हमारा जो इस टाइम इंटरनेशनल पाकिस्तान का इमेज है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो ये है कि जो चाहे चाइना चाहे थोड़े पैसे दे जो मर्जी करवा ले, यूएस चाहे थोड़े डॉलर दे जो मर्जी करवा ले, कभी यूएई सऊदीया कोई पैसे दे जो हमारा मतलब पैसे दो जो भी करवाओ, ऐसा है कि नहीं? ये जो भिखारी होता है ना, नहीं ऐसे मतलब मैं भी पाकिस्तान हूँ आप भी पाकिस्तान है यार, ये जो एक होती ना बात, हमें ये पेट्रियोटिज्म जो है ये हमें ना असल में मैनिपुलेट करने के लिए, आप इलामा इकबाल को उठाएं ना तो उन्होंने मुसलमान का या इस्लाम का ये नहीं कहा कि किसी एक टेरिटरी में कैद हो के मुसलमान रहता है, वो कहता है कि ये आज़ाद मछली की तरह है समंदर में, और जिस तरह समंदरी समंदर में मछली आज़ाद है कहीं पे भी जा सकती है ना, तो इसी तरह एक मुसलमान जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। आप सिर्फ एक रियासत के पीछे अगर आपने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया ना, तो ऐसा नहीं, एग्जैक्टली तो यही है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको जब आपका घर चल रहा होगा ना, जो बंदा भी आपको लेट से हम दो दोस्त भी जा रहे हो तो बाइक मेरे पास है तो मेरे पास फ्यूल नहीं है तो मैं उस दोस्त को ज़्यादा प्रेफर करूँ जो मुझे फ्यूल डलवा दे। तो पाकिस्तान की रियासत का और मुल्क का भी यही हाल है, हमें जो फ्यूल देता है हम उसके साथ लग जाते हैं, साथ हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने अपने अभी अनाउंस किया कि हम जो उनसे रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, यही चीज अगर जैसे देखें अभी बीच में थोड़ा सा सी भी आता है वो जिस तरीके से पहले अफगानिस्तान ईरान के साथ कनेक्ट चाबहार जो पोर्ट है उसके साथ कनेक्टिविटी होगी, यही पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते, या पाकिस्तान ये सारी खबर तो देख रहा है, पाकिस्तान कह देता ऑफर देता कि भाई आओ हमें भी साथ इन्वॉल्व करो, जो जो रशिया है जो अफगानिस्तान है ईरान है सेंट्रल एशियन स्टेट है और इंडिया है जो ये मिल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें भी हिस्सा, तो हमने एक पावर गेम में नहीं था जाना। असल में ना पता क्या है, पावर गेम का जो आप सही मायनों में अगर हम कहें तो पावर गेम इसी तरह यार के हमने रियासतों से ना बिल्कुल अपने आप को कट दिया। जैसे भुट्टो ने यही बात की कि मैं एक इस्लामिक ब्लॉक बनाऊंगा, या प्रॉक्सिमिटी की बात की कि जो हाँ बिल्कुल जो हमारे आसपास की रियासतें हैं हम उनसे अपने तल्लुकात मजबूत करेंगे। तो ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर कभी अमेरिका या जितनी भी लीडिंग सुपर पावर्स हैं उन्होंने कभी भी जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करने ही नहीं दिया। आप एग्जैक्टली वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कि ठीक हो गया है। अच्छा लेकिन इसके अंदर ये आता है कि इंडिया के ऊपर भी तो प्रेशर रहा होगा, अफगानिस्तान के ऊपर अभी इवन प्रेशर है, वो कैसे अपने रिलेशन बेहतर। देखे बहुत से लोग ये कहते हैं और मैं जब वीडियोस करता हूँ आप भी सुने, जब वीडियोस करता हूँ जी वो यूएस के प्रेशर की वजह से वो चाइना, भाई अफगानिस्तान के ऊपर यूएस का प्रेशर जितना रहा उतना शायद पाकिस्तान के ऊपर नहीं रहा, इंडिया के ऊपर भी यूएस का प्रेशर रहा, आईएमएफ के पास वर्ल्ड बैंक के पास वो जाते रहे, आज वो अपने फैसले कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। असल में ना एक होती है कौम, वो इंडिया, हाँ एग्जैक्टली वो इंडिया एक कौम है, चाइना एक कौम है, इवन बांग्लादेश जो हमसे टूटा 71 में वो एक कौम है, हम लोग हजूम हैं। तो हजूम ऐसा ही होता है, हजूम के पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता, हजूम ऐसा ही है कोई जिस जिधर लगाएगा उधर लग जाएगा। कौम एक अपने कंसिस्टेंट रहती है, एक आइडिया होता है उसके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है जिस पे उसने चलना है। तो वो कौमें इसीलिए तरक्की कर रही हैं, उनके पास एक एजेंडा है, उनके पास अगर कोई यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना है, कोई नया प्रोग्राम लेके आना, तो वो एक एजेंडे के आते हैं कि यार हमारी जो कल जनरेशन यहाँ से यूथ निकलेगी ये पूरी वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली होती है तो कौमों में और हजूम में ये फर्क होता है। हमने ये क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया लेकिन देखें मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान हूँ, आपको भी आप भी पाकिस्तान है पाकिस्तानी है, हमने कब तक हजूम रहना है, नेशन बनना है कि नहीं, अपने रिलेशन दुनिया के साथ बेहतर करने हैं या नहीं, वो कैसे बेहतर। ये एक आपका बड़ा मिलियन ऑफ डॉलर क्वेश्चन है, मैं डॉलर इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम डॉलर पे चलते हैं, तो वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप अपने, मैं बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं कि हमने स्टूडेंट यूनियन जो है ना उनको हमने बैन कर दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो एक डिबेट का रुझान लेके आते थे, एग्जैक्टली डिबेट का रुझान हुआ करता था। ये जितने भी लोग आप अभी यूएसए में चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, जितनी भी डेवलप्ड नेशन है ना आपको वहाँ पर एक डिबेट का रुझान मिलेगा,
तो वो लोग एक आइडिया लेके आते हैं, उस पर डिबेट्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं, फिर एक आइडिया पसंद आता है एग्जैक्टली। तो वो आप देखें ना, ये डेमोक्रेसी या जमहूरियत किस तरह जन्म ली, इसी तरह कि लोगों ने एक आइडिया, बेहतर आइडिया लेके आए गवर्नेंस का। उन्होंने कहा कि हम जो अगर गवर्नेंस हमने बेहतर करनी है तो हमें कुछ ऐसा आइडिया लेके, तो वो डेमोक्रेसी का उन्होंने आइडिया। यूएस की बात करें, आज भी जो उनके प्रेसिडेंट बनते हैं वो पहले दोनों वो करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं और ऑडियंस के सामने करते हैं। देयर इज क्रॉस डिबेट ओवर देयर, दे एक्चुअली डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विद ग्रेट रेलिवेंस ऑफ द चैलेंजेस टू सॉल्व द चैलेंज। अगर आप किसी एक चैलेंज को रिजॉल्व करना या उसको सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी कौम को खड़ा करना चाहते हैं, तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो वो एक आइडिया लेके आएंगे, वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली। तो जो इसे बात करने का बड़ा मजा आ रहा है, देखें मैं डेली बेस पे वीडियोस करता हूं, इंटरव्यूज करता हूं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो रियलिटी को जानते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे तो सवाल किया जाए तो वो कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये तो पता नहीं वेस्टर्न एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो पता नहीं इंडिया का एजेंडा है। मतलब जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं, यही डिबेट हमारे मीडिया पे क्यों नहीं होती, यही डिबेट हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं होती कि यार इंडिया किधर चला गया, अफगानिस्तान जिसे हम तालिबान दहशत कर दिए वो कहते थे, आज वो अपने रिलेशन कितने बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। डिबेट करने के लिए ना जरूरी होता है कि इंसान के पास जहन हो, उसकी जो मेंटल फैकल्टीज है ना वो स्ट्रांग हो। हमारे यहाँ पे डिबेट का रुझान इसलिए नहीं, हम जहनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, हम असल में आइडिए की जंग नहीं, हम इन शख्सी जंग लड़ते हैं। लेट से हमारा कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी एक आइडिए पे, हम आइडिए को आइडिए से नहीं लड़ने देते, हम इंसान इंसान से लड़ना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली हम ये कह देते हैं कि यार तू बंदा नहीं सही, हालांकि हम ये नहीं कहते कि यार तेरा आइडिया नहीं ठीक, उसको रिफाइन करते हैं। तो डिबेट कर बात करता हूँ, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत प्रोग्राम करता हूँ, तो आए मेरे प्रोग्राम्स को या मेरी बातों को गलत साबित करें, उसके ऊपर मैं सॉरी करूंगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जब तक पाकिस्तान के 50% लोग भी अगर ऐसे नहीं हो जाते और इतनी समझबूझ वाली बातें नहीं करने लग जाते और इतनी समझबूझ उनमें आ नहीं जाती है, तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तय है। ओह यस 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 यू आर राइट। और इस बंदे ने एक बात कही उसको सुन के तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि इनके कॉलेजों के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई अपना नया आइडिया नहीं दे सकता है, छात्र राजनीति खत्म कर रखी है पाकिस्तान ने, कैसा पाकिस्तान है ये पता नहीं। और आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए भाई साहब भर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।